मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। नमस्कार, मैं हूं संजय भूषण पटियाला। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश में फिर से मोदी सरकार आई है और जितना खुशी लोगों बीच में है, उत्साह है, उतनी ही खुशी पूरे दुनिया मना रही है। हिंदुस्तान इस बार एक ऐसी जीत हासिल की है कि पूरा दुनिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही है। जो देश कभी फोन तक नहीं करता था, वो देश आज फोन करके अगर बधाई दे रहा है तो कुछ बड़ा रीजन होगा। सबसे पहले हम उस इंसान को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इतना बड़ा कदम उठाया और पूरा देश को हमारे देश से झुका दिया। जैसे हमेशा होता था कि छोटा देश बड़े देश के सामने झुक जाता था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने सारे छोटे देशों को अपने हिंदुस्तान के सामने झुका दिया। कई बार कई देश लड़ाई करना चाहे हमारे हिंदुस्तान से, लेकिन अब वो कोई सोच नहीं सकता है जो पहले कोई सोचता था कि जो बुरी नज़र से आँख उठा के देखता था हिंदुस्तान के ऊपर, आज वो झुकी हुई नज़रों से देखता है। तो इसके लिए काबिल तारीफ़ है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी छोटे मोटे पार्टियां हो, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने शाम को बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया है कि पिछले क्या हुआ, कौन क्या बोला, क्या नहीं किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आइए हम सब मिलकर देश को चलाते हैं और गरीबी को जड़ से मिटाते हैं। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने पूरे देशवासियों को संदेश दिया है। उन्हें कौन पार्टी कितनी गालियाँ दिया, क्या नहीं क्या दिया, किसी से कोई उन्हें गिलवा शिकवा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वही एक अच्छा नेता होता है जो व्यक्ति अंदर अपने अंदर उपाल कर रखता है कि मुझे अगला से बदला लेना है, ये करना है, वो करना है। अगर सही में काम करके दिखा दे तो किसी से बदले लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो अगला इंसान गिर जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री ने हमारे संबोधन में शाम को बोला है वो काबिल तारीफ है और उन सभी जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने विश्वास किया नरेंद्र मोदी के ऊपर और अपना बहुमूल्य वोट उन्हें दे करके एक भारी भी मतों से विजयी बनाया सबको। और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का पीआर करता हूँ, आप सबको पता है। तो हमारे प्रिय बड़े भाई श्री मनोज तिवारी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दिल्ली से 7 सीट इस बार जीते हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के और इस बार चुनाव भी लड़े, तो वो लास्ट चुनाव में भी जीते हैं और ये भी चुनाव जीते हैं, तो उनको खास करके बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद मैं अपने बिग बॉस, हम बोलते हैं रवि किशन शुक्ला जी को बिग बॉस बोलते हैं, जब भी मैं मैसेज करता हूँ या कोई रिप्लाई उधर जाता है तो बिग बॉस ही से उनको मैं संबोधित करता हूँ। कई सालों से उनसे मेरी अच्छी रिलेशन है और हमसे बहुत अच्छा मानते हैं रवि भैया। तो रवि भैया ने भी बहुत अच्छा जीत इस बार दर्ज किया है गोरखपुर से, और वो भी ऐसा सीट था जहाँ से कि एक बार बीजेपी हार चुकी थी। श्री योगी जी के क्षेत्र में दोबारा चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हारी थी और इस बार बीजेपी ने फिर भारी मतों से नहीं, बहुत ज़्यादा मतों से इस बार अपना वोट दे करके उनको जिताया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी देशवासी अगर मेरे द्वारा ये बातें सुन रहे हैं वो देश को चलने दें, जो भी निर्णय लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका समर्थन करें और आगे बढ़ें। बाकी देश हम लोग के बाद भी स्टार्ट हुआ है, वो बहुत देश बहुत जैसे जापान देखो आज कहां से कहां पहुंच गया। अगर सब मिल करके हम लोग सपोर्ट करेंगे तो देश बहुत आगे आ सकती है। जितनी गरीबी जितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है उससे कहीं ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी अन्य देशों में है जो भूखे मर रहे हैं आज के डेट में। तो उसके अगर देखा जाए उसके मुताबिक हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हम चाहते हैं कि आप सब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें। और उसके बाद मैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जहां जहां प्रचार किए वहां वहां कैंडिडेट जीता है। पवन जी हमेशा अपने गानों से पूरे हिंदुस्तान को झुमाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी उन्होंने एक गाना बहुत अच्छा गाया है जो आज सुबह से लेकर शाम तक बजते रहा हर चैनल पर उन्होंने गाना। पवन जी ने जितना गाना में अपना नाम किया है और प्रचार प्रसार में समय दिया, अपने शूटिंग को छोड़ दिया था प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनको तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। उसके बाद हम दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि पहला बार बीजेपी से खड़े हुए चुनाव में और उन्होंने इतनी अच्छी
मेहनत किया, अखिलेश यादव के सामने वो खड़े थे, चूंकि इस बार उनकी जीत नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जीत में उनकी हार में ही इस बार जीत नजर आ रही भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्योंकि जितना वोटों से उन्होंने हारे हैं वो हारा नहीं माना जाएगा उनको। बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में है, रहेगी हमेशा वो। दिनेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, निराश नहीं हो, नेक्स्ट बार फिर हम लोग खड़े होंगे आपके साथ और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। एक बार फिर से सभी देशवासियों को जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app and never miss another update.